मॉर्निंग हो चुकी है सबको, गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे बन रही है जोहान की मैगी। जोहान को लगी है बड़ी बोलते ना क्या जोरदार सी भूख, तो जोहान की मैगी बनाते हैं। साथ में बन रहा है मेरा डाइट एग। तो यहाँ पे मैंने दो अंडा ली हूँ, इसके अंदर मैंने है ना सिर्फ टमाटर और थोड़े से मसाले ऐड की हूँ। तो बस आज जो है नाश्ता यही होने वाला है मेरा। आज मैं पूरा दिन डाइट पे रहने वाली हूँ क्योंकि मेरा काफी वेट है ना बढ़ते जा रहा है, जो मैं मतलब बोलते ना एक प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो अंडा कैसे बनाती हूँ ना मैं आज आपको बताती हूँ डाइट वाला। यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम तवे को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उस पर ना इस तरीके से ऑयल स्प्रेड कर देंगे। ज्यादा ऑयल हमें ऐड नहीं करना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम ऐड कर देंगे। और ज़्यादा ऑयल आपको नहीं लेना है अंडों के लिए, हल्का सा स्प्रेड करना है ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और ये डाइट के लिए बहुत अच्छा एग है। आप चाहिए तो ना अंदर की जो पीली जर्दी होती है ना उसे रिमूव कर सकते हो। आज मैंने रिमूव नहीं किया, आज मैंने डायरेक्ट ले ली हूँ और अब इसे अच्छे से एक तरफ से कुक होने देते हैं। देखो एक तरफ से ना अच्छे से अंडा बेक हो चुका है और अभी थोड़ा सा पीछे से भी है ना मतलब बैक साइड से अच्छी तरीके से कुक कर लेती हूँ ताकि वो अच्छे से एकदम क्रिस्पी हो जाए। एंड बस आज मुझे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यही लेना है, इसके साथ रोटी ब्रेड में कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ। तो नॉर्मली ये दो अंडे हैं, उसके साथ मैंने थोड़ा सा टमाटो केचप निकाली हूँ कि एक स्वाद आए मतलब। तो बस यही आज मॉर्निंग का जो है मेरा ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करके ले लेती हूँ सबसे पहले तो मैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ना मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ आज चिकन विंग्स और आलू का सालन। या आलू है ना कट करके रखी थी ना इसलिए थोड़े से ब्लैक हो गए है। तो ऐसे मैंने चार पांच पानी से नमक में अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और ये चिकन विंग्स का आज मैं आपको सालन बनाना बताती हूँ बहुत इजी मेथड से, क्योंकि मेरे पास ना वक्त बहुत कम होते हैं जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ काम धंधे की वजह से। तो इसमें ना मैंने सारे अच्छे गरम मसाले ले लूँ। पहले आप देख लो हरी मिर्ची है और तीन चार आड़ी प्याज कट कर ली हूँ। तेल में बिस्मिल्लाह करके ऐड कर देंगे सारी चीज़ों को और थोड़ा सा ना रेड कर लेंगे, अच्छे से ना एकदम ब्राउनिश कर लेंगे। प्याज को ना अच्छी सी गोल्डन फ्राई कर ली मैंने। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी आलू। ये एकदम ना झटपट बनने वाला आलू का और विंग्स का सालन है, तो आलू को अच्छे से पहले मिक्स कर ले इस तरीके से। और विंग्स के अंदर ना मैंने क्या किया, दो चम्मच के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल ली हूँ ताकि ये अच्छे से भून जाए। यहाँ पे टमाटर को भी मैंने कट कर ली हूँ। आलू रेडी हो जाए ना तो विंग्स और ये वो डाल दे, डबल विंग्स के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे और इसे अच्छे से भून ले, क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार सा सालन बनता है। अब इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से आधा चम्मच के जितना ऐड करूँगी और अभी पहले से ना मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि जो मेरी चिकन है ना वो अच्छी तरीके से भून जाए। बहुत प्रॉब्लम होती है एक हाथ से शूट करो और एक हाथ से दिखाओ ना, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा घाई में हूँ इसके लिए मैंने सोचा फटफट आपको दिखा दूँ। तो इसे ना दो चार मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं पहले। फिर देखो आलू चिकन अच्छे से भून गई है मेरी। ड्राई मसाले ऐड करूँगी तो सबसे पहले मैंने ना देखो हरी मिर्ची का एक चम्मच पेस्ट ले ली और टमाटर ले लूँ दो से तीन, इसे भी ऐड कर दूँगी क्योंकि आलू भी बहुत जल्दी गल जाएगा और जो चिकन है वो भी बहुत जल्दी गल जाएगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने के लिए। इसके अंदर ना हम डालेंगे ड्राई मसाले और ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम फटाफट से कुक हो जाएगा। तो मैंने हल्दी डाल दी हूँ थोड़ा सा भून कर, धनिया पाउडर डाल दी हूँ एक चम्मच के जितना, दही भी डाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल दूँगी मैं, रेड चिली पाउडर। और फिर ये क्या है, हाँ ये गरम मसाला है। गरम मसाले मैंने ऐसे डब्बे में डाल दिए, मेरे को बहुत आसानी हो गई है सच में कुकिंग करने के लिए। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, एक चम्मच भर के जीरा पाउडर ऐड करी हूँ, ये देख लो बस इतने ही मसाले ऐड करनी है। अब क्या करूँगी अच्छी तरीके से भून के, पानी नहीं ऐड करूँगी, स्लो फ्लेम पे इसे पकने दूँगी, मिक्स कर ले पहले अच्छे से। आप ऐसे यहाँ पे देखो चिकन और सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है ना, बड़ा इजी बन जाता है, आपको ना ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फटफट मसाले डालो और ये रेडी हो जाएगा।
अब इसके अंदर मैं बहुत थोड़ा सा आधा ग्लास के जितना पानी डालूंगी, क्योंकि मैंने जितने भी ड्राई मसाले ऐड किए ना वो अच्छे से भून जाना चाहिए, वरना क्या होगा ना कि अच्छे से कुक नहीं होंगे। थोड़ा सा ऐसे करा पापा, पापा को मैं कैमरा पकड़ना सिखा रही हूँ ताकि पापा मेरी हेल्प कर दिया करें ज़रा सा। तो ये देखो कितना मज़ेदार सा, अभी से ही कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। बस अभी से ना हम लोग पकने देंगे, ढक दूंगी मैं इसे, और कम से कम कितना डालूंगी पता, 5 से 7 मिनट इसे मैं अच्छे से पकने दूंगी, जब तक गैस वगैरह क्लीन करके ले लेती हूँ। यहाँ पे देख लो, आफ्टर 10 से 15 मिनट कुक करने के बाद चिकन आलू का जो विंग्स का सालन है काफ़ी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अब ज़्यादा कुक नहीं करना है वरना आलू जो है ना वो एकदम भरता हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा सिरवा लगाऊंगी क्योंकि इसे राइस या रोटी के साथ खाएंगे, तो इसके लिए देखो ज़्यादा मिक्स नहीं करना। एक बार नमक आप चेक कर लो क्योंकि कोई कोई ज़्यादा नमक भी खाता है, कोई कम भी खाता है, ऐसा है। तो अभी के अंदर ना मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, अभी इसे अच्छी तरीके से पकने दे दे क्योंकि हमने पानी ऐड किया है। अब यहाँ पे ना मैं कस्तूरी मेथी को हमेशा ऐसे ना स्टोर करके रखती हूँ, इसे मैंने तवे पे भून के और रेडी रखी हुई हूँ। कभी भी कस्तूरी मेथी आप यूज़ करो ना तो उसे तवे पे भून के इस तरीके से स्टोर कर लो। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम कस्तूरी मेथी थोड़ी ऐड कर देंगे, सालन में जो है थोड़ी सी जान आ जाएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर करती है कस्तूरी मेथी। तो बस अब इसमें थोड़ा सा ऐसे बॉइलिंग आने देते ताकि सालन और जो ग्रेवी हमारी अच्छी से कुक हो जाए। सालन में काफ़ी अच्छी तरीके से बॉइलिंग आना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर देख लो। तो बस अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके साथ मैंने बनाई हूँ गर्मा गर्म राइस। अपना मैंने गर्मा गर्म राइस बनाई हूँ जो बासमती राइस है, ये बारीक वाला ही हमारे घर में खाया जाता है, सबको यही वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी फटाफट इन लोगों को लंच दे देती हूँ क्योंकि मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं डाइट पे हूँ। अपना लंच जो है वो स्कीप कर दे रही हूँ, डिनर में मैं बनाऊंगी अपने लिए पनीर, तो मैं वो आपको बताऊंगी मैं डिनर में कैसे बनाने वाली हूँ। फटाफट अभी नमाज पढ़ के ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका स्वागत है फेरी व्लॉग चैनल में। सो वापस से आज बहुत टाइम बाद छत पे आ गई हूँ और छत का क्लाइमेट देखो क्या मस्त हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आज मॉर्निंग से व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और ना बारिश हो रही है, वाह कितना, मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा क्लाइमेट हुआ है। तो नमाज़ हो चुकी है, आज जुमा का दिन था, हर चीज़ें मतलब हर चीज़ परफेक्ट टाइम पे हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अब मैं निकल रही हूँ मतलब अपने वर्क पे, मतलब मेरा ऑर्डर है तो अब मुझे वो कम्प्लीट करना है, फिर उसके बाद क्या करूँगी ना मैं कहीं अच्छी जगह जाऊँगी अगर डिनर वगैरह पर कुछ अच्छा खाने वगैरह के लिए, तो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले ऑर्डर करते क्योंकि जिनका ऑर्डर है ना वो मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप मेरा ऑर्डर करके दे दो, बट मेरे पास ज़रा सा भी वक्त ही नहीं मिल रहा था क्योंकि कंटिन्यू ऑर्डर्स चालू थे। तो आज फाइनली टाइम मिल गया है, तो सबसे पहले उनका ऑर्डर्स कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कुछ फ्रेंड्स मिलने आने वाले हैं तो कहीं चिल आउट वगैरह पे जाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने आज बनाई थी चिकन की ग्रेवी, बड़ी मज़ेदार बनी थी। मेरे पास आपको पता है कि मैं जॉब, तो मेरे पास टाइम कम होता है ना, इसकी वजह से मैं क्या करती हूँ ना बहुत क्विकली खाना मतलब बनाने को ट्राई करती हूँ। तो आज बहुत अच्छा सालन बना था, इतनी मज़ेदार, नमाज के बाद खुशबू आ रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं लंच स्कीप करने वाली थी बट थोड़ा सा मैंने पाव के साथ ग्रेवी टेस्ट कर ली क्योंकि मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी खाने में से। तो फाइनली अभी रेडी हो चुकी हूँ, बुरखा वेयर कर ली हूँ, पर्स ले ली हूँ हाथों में और ये हेयर्स मेरे खुले हुए, तो वहाँ जाके कैसा बाइंडिंग करके ना फेशियल वगैरह करना पड़ता वरना मेरे पूरे हेयर्स मुँह पे आते। तो बाकी चलो फटाफट से ऑर्डर्स कंप्लीट करते, इसके बाद जो भी करूँगी आगे इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। देख लो मौसम, देख लो कितना अच्छा हुआ है ऊपर, मतलब इतना अच्छा है ना, इसमें क्लिक नहीं हो पा रहा है कैमरे में, बट यकीन मानो इतना मस्त क्लाइमेट हुआ, इतना ठंडा सा हो गया मौसम अचानक से। हमारा प्यारा सा मुमरा कितना प्यारा सा दिख रहा है, तो अभी फट से निकलते अपने वर्क पे। फाइनली अब हम जा रहे हैं इवनिंग स्नैक्स बनाने के लिए, तो मम्मी ने यहाँ पे बड़ा वाला ब्रेड लेके आया है और ये स्कूल वाली सैंडविच आज मैं बनाने वाली हूँ, ये चिप्स से बनाने वाली हूँ। पहले तो हम लोग कुछ और ही चिप्स यूज़ किया करते थे स्कूल में, तो बस आज सैंडविच खाने का बड़ा मन था। और यहाँ पर देखो जीशान की न्यू वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, तो बस यही सब काम कर रही थी, फिर जो बाहर के जो काम थे वो भी करके आ गई और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कुछ चटपटा सा खाने का मन था तो मम्मी ने सोचा सैंडविच बना लेते हैं, तो चलो आगे देखते बताती हूँ मैं आपको हम लोग कैसे सैंडविच बनाते हैं। जोहान को भी देख लो, मस्ती वगैरह चालू हुए, क्या बोल रहे मम्मी,
निकालो ना चटनी। और कपड़े देखो कितने गंदे हुए, अभी नीचे से ऊपर जाके आए हैं इतनी गंदगी में। और ना मैंने एक जोहान के लिए ना वो लिखी हूँ, क्या देखो उड़ गया पता चल। लो लो लो, मैंने ना जोहान के लिए क्या लिखी हूँ पता है, एक ना वो लिखी हूँ, क्या बोलते हैं उसको, नाइट पोयम लिखी हूँ, चार लाइन की है। और आजकल जोहान ना वही क्या करता है, सुनता है और वही सुन के सोता है ना जोहान, है ना बेटू। सुनाओ मैं पोयम, सुनाओ मैंने कौन सी वाली पोयम लिखी हूँ जोहान के लिए। हाँ रिमिटो बेटा, पहले इसको फ्रेश करेंगे जोहान को, जब तक मैं आपको पोयम सुनाती हूँ। मम्मा चलो स्टार्ट, कौन सी पोयम लिखी हम लोग ने जोहान के लिए। हाँ मैं बेटू, निन्नी मम्मा आई है, आंखों में निन्नी लाई है, निन्नी मम्मा आई है, आंखों में निन्नी लाई है, अब हम सोएंगे, हमको निन्नी आई है, निन्नी मम्मा आई है, आंखों में निन्नी लाई है। अम्मा कलीजा, मेरा बेटा आजकल मेरी ये बकवास वाली पोयम सुन के सोता है ना बेटू, है ना जानू मम्मा। अच्छी लगी तुमको, अच्छी लगी ना, तुम खुश है ना। हाँ मेरा बेटा खुश है ना, मेरा बेटा खुश है। मेरी फुप्पू ने पोयम लिखी है इतने प्यार से, इतने कलेजी के लिए। हाँ सोना ना, आलू गल चुका है सैंडविच के लिए, और ये जो चार ब्रेड है ना इसे मैं अभी हल्का सा सेक लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी ऐसे सेकी हुई ब्रेड चाहिए। मैंने ना गरम करने रखी हूँ, और इसके ऊपर देखो मैं हल्का सा ना इसे ऑयल स्प्रेड करूंगी, क्योंकि मुझे ब्रेड ना थोड़ा सा सेक के लेना है। तो ये ब्रेड तो माशाल्लाह इतना बड़ा है कि तवे पे एक ही ब्रेड आ जाएगा, दो एडजस्ट करके भी नहीं आएगा। तो एक तरफ से पहले से मैं अच्छे से क्या करती हूँ, कड़क होने देती हूँ। देखो ब्रेड मेरा सेक गया है एक साइड से, एक साइड से और सेकना है। और ना मैंने क्या किया, एक ब्रेड के ना स्लाइस बाजू से कट कर ली हूँ, क्योंकि ये ब्रेड जब है ना सीक रहा है ना, मतलब टोस्ट हो रहा है, तो ये हार्ड हो जा रहा है बाजू वाला, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है। तो इसके लिए ना मैंने क्या किया, अभी फिलहाल एक सैंडविच ऐसे बना लूंगी, और एक की जो स्लाइस है ना बाजू के उसे मैंने कट कर ली हूँ। तो ब्रेड मेरे अच्छी तरीके से ग्रिल हो गए, मतलब अच्छे तरीके से टोस्ट हो गए, थोड़े से क्रिस्पी हो गए, विदाउट ऑयल मैंने जो है इसे रेडी की हूँ। यहाँ पे सारी वेजीज वगैरह चाट मसाला वगैरह मैंने अपनी सैंडविच पे स्प्रेड कर दी हूँ। और जब ना हम स्कूल में थे ना तो हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं होते, तो अभी हमारे पास ज़्यादा ही ऑप्शन है। तो फिर हम क्या करते थे ना, ब्रेड के ऊपर थोड़ी सी ऐसे चिप्स डालते थे, थोड़ा सा मायोनीज, और लाइक मतलब समझ जाओ ना आप कि ये वेफर्स ऐड करते थे और खा लेते थे, बड़ी टेस्टी लगती थी। तो आज वही स्कूल वाली मुझे सैंडविच याद आ गई, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और वेजीज वगैरह मैं ऐड करके थोड़ी सी यम्मी बना लूँ। और फिर यहाँ पर मैंने क्या करी ना, ऊपर से थोड़ा सा टमाटो केचप और ग्रीन चटनी और ऐड कर दी, क्योंकि मम्मा ना ग्रीन चटनी बहुत फीकी सी बनाती है। मैंने मम्मा को बोली भी थी कि तीखी वाली बनाओ, क्योंकि मेरा मूड ना एकदम ख़राब था, और मुझे ना ऐसा एकदम कड़वा कड़वा सब लग रहा था। और यहाँ पर है ना कुलसुम ने क्या की थी ना, आलू बना ली थी, जिसके अंदर उसने ना भाजी मसाला ऐड की हुई थी। एवरेस्ट का भाजी मसाला बहुत आसानी से मिलता है मार्केट में, तो उसे भी ऐड करके अगर आप सैंडविच में बनाओगे ना बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं आपको भाजी मसाला भी दिखा दूंगी कौन सा उसने ऐड की थी। बाकी यहाँ पे मैं अपनी सैंडविच बना के ऑलरेडी, सबसे पहले सैंडविच मैंने ही खाई बना के, और फिर उसके बाद कंटिन्यू सब लोग सैंडविच बना रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। काफ़ी अच्छा मूड हो गया था, और टेस्टी भी लग रहा था, पेट भी काफ़ी अच्छा भर गया था।